शोहर को चाहिए कि बीवी की तारीफ से ज़्यादा इसका एहसास करे, और एक बीवी के लिए ये एहसास किसी नेमत से कम नहीं होता कि कोई मेरी फिक्र करने वाला है। वो घर जल्दी टूट जाते हैं जहाँ बहू से ज़्यादा अहमियत शादीशुदा बेटी को दी जाती है। हर एक को उसका मुकाम दें जो उसका हक है। मियाँ बीवी का रिश्ता मुकाबले का नहीं, मोहब्बत का रिश्ता होता है। अपनी बीवी को कभी भी दुख ना दें, क्योंकि बीवियों की दुनिया बहुत छोटी होती है। अपने शोहर से शुरू होती है और शोहर पर ही ख़त्म हो जाती है। शोहर का थोड़ा सा एहसास करना बीवी के सारे गम हल्के कर देता है। बीवी अपने शोहर से उस वक्त तक लड़ती या जिद करती है जब तक इसे प्यार की उम्मीद होती है, और जब वो उम्मीद ख़त्म हो जाती है तो वो लड़ना और जिद करना बंद कर देती है। बीवी जब अपने मसाइल शोहर को बताती है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो शिकायत कर रही है, बल्कि वो आप पर एतमाद करती है। मर्दों को भी चाहिए कि अपनी बेगमात का एहसास किया करें। इन बेचारियों की तो सारी ज़िंदगी ही यही होती है, इन्हीं की खातिर अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ जाती हैं। बेवकूफ़ औरत अपने शोहर को गुलाम बनाती है और खुद एक गुलाम की बीवी बनती है, जबकि अकलमंद औरत अपने शोहर को बादशाह बनाती है और खुद उसकी मलका बनती है। बीवी को इज्जत देने वाले शोहर जन मुरीद नहीं होते, बल्कि ऐसी अजीम माँ के फर्मा बरदार बेटे होते हैं जिसने अपनी औलाद को औरत की इज्जत करना सिखाई हो। बीवी अपने खावंद की गुर्बत, बदसूरती और मसरूफियात पर तो सब्र कर सकती है, मगर वो अपने खावंद की बद इखलाकी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बीवी की आंख में कभी आंसू ना आने दें, क्योंकि बीवी रोती है तो शोहर की जेब से बरकत उड़ जाती है। एक एक आंसू महंगा पड़ता है और फिर शोहर भी रोने वाला हो जाता है।